आज हम AEEE मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट की जानकारी ले लेते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है 0 से 30 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये इंस्ट्रूमेंट है 0 से 5 एम्पियर का डीसी ए मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है 0 से 30 वोल्ट का डीसी वोल्ट मीटर। और ये इंस्ट्रूमेंट है रियोस्टेट जिसका वैल्यू है 400 ओम। अब हम सर्किट का कनेक्शन देखेंगे, कैसे सर्किट कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ई मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ए मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद ए मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम वोल्ट मीटर में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का सेकंड जो टर्मिनल है वो हम रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये दोनों जो येलो वायर आपको दिख रहे हैं उसका कनेक्शन हम रियोस्टेट के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रियोस्टेट का सेकंड जो ये येलो वायर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारा पूरा सर्किट क्लोज होगा तभी हमारा सर्किट में से करंट फ्लो हो पाएगा। अब हम सर्किट ऑन करते हैं, कैसे रीडिंग लेना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पावर ऑन करेंगे। तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो हमें जो फर्स्ट ये पैनल दिख रहे हैं वहां पे हम वोल्टेज का रीडिंग लेंगे और यहाँ पे हम करंट का रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को 1 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो 1 वोल्ट पर सेट करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल रही है 0.006। और हम ये इंस्ट्रूमेंट ए मीटर और वोल्ट मीटर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पर हमें करंट की वैल्यू मिल रही है 0.016 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज ले जाते हैं हम 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू है 0.036 एम्पियर। और करंट और वोल्टेज भी हमें ये एमीटर और वोल्टमीटर पर से मिल जाएंगे। उसके बाद हम वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज करके 6 पे ले आते हैं। तो 6 वोल्ट पे करंट की वैल्यू है 0.052 एम्पियर। उसके बाद 8 वोल्ट हम सेट करेंगे तो 8 वोल्ट पे करंट की वैल्यू मिलेगी 0.090 एम्पियर। ऐसे ही हमें 4 से 5 रीडिंग लेने हैं। वोल्टेज और करंट दोनों के हमें रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करने हैं और उसके ऊपर से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R = V/I। 5 रीडिंग का हमें कैलकुलेशन करना है और उसका हमें रेजिस्टेंस मिलेगा R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो इस तरह हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके और ए मीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग लेके वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कर सकते हैं।